हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करते हो होंगे। आज की वीडियो हम करेंगे गाइस ब्लू एंड ऑरेंज कलर टोन फोटो एडिट। तो गाइस जैसे भी आपको स्क्रीन में दिख रहा था, तो आपको भी इस टोन में, इस कलर में अपनी फोटो एडिट करना, तो वीडियो को स्किप ना करना एंड तक देखना। और गाइस हमेशा की तरह इस कलर टोन को प्रीसेट दे दूंगा। प्रीसेट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप जैसे लिंक भी क्लिक करेंगे तो 4 डिजिट का एक पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड के बिना गाइस प्रीसेट डाउनलोड नहीं होगा। तो गाइस पासवर्ड मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, उसके पहले वीडियो को स्किप ना करना एंड तक देखना। अगर 4 डिजिट का पासवर्ड रहेंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेंगे। उसके पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेना। चैनल किलर एडिटिंग को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे कर देना, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन की अपडेट्स आपको समय पहले मिले। तो गाइस फिर करते वीडियो को स्टार्ट। और गाइस इंस्टा पे जाके फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो करते स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले लाइटरूम एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। अगर आपका लाइटरूम ऐप डाउनलोड तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस पहले हम प्रीसेट पे आएंगे। प्रीसेट की करेंगे इस तरह से, विंडोज पे जाएंगे, कॉपी सेटिंग पे जाएंगे, मास्किंग पर राइट करके गाइस कॉपी सेटिंग कर लेंगे। फिर गाइस कॉपी सेटिंग होने के बाद गाइस आप कोई भी एक अपनी नॉर्मल से फोटो पे चले जाएंगे। इस तरह की अगर आपकी गाइस फोटो रही तो गाइस प्रीसेट की सेटिंग कुछ इस तरह की आएंगी। प्रीसेट का कलर कुछ इस तरह का आपके फोटो में दिखेगा। अगर आपकी इस तरह से फोटो रही तो गाइस कुछ एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे कि लाइट्स, कलर्स, इफेक्ट्स, या आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे तो गाइस परफेक्ट ही है, बस आप हल्का फुल्का अगर फेस आपका ज़्यादा ऑरेंज आ जाए या फेस का कलर थोड़ा ख़राब हो जाए तो आप कलर्स पे जाके, कलर में स्टोर पे जाके, ऑरेंज कलर पे जाके आप एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे आप हल्का फुल्का छेड़ सकते हैं, बाकी तो गाइस परफेक्ट है कलर। ये दूसरी फोटो है, जैसे कि गाइस इसमें थोड़ा अलग सा टोन देखने को मिलेगा। गाइस वो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा अलग सा टोन देखने को मिल रहा है, और फोटो भी एकदम सही लग रही है। आप देख सकते हैं फेस से और बैकग्राउंड एकदम सही लग रहा है, कलर इसमें एकदम मैच कर रहा है, बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो। वैसे एक दूसरी भी फोटो है गाइस, ये वाली, इससे भी आप देख सकते हैं एकदम मैचिंग कलर हो जाएगा। और गाइस जो पीछे में जो स्कूटर खड़ी है गाइस, उसका भी कलर एकदम आप देख सकते हैं चेंज हो गया है। पहले येलो था गाइस, उसका ऑरेंज हो गया है, स्काई भी एकदम प्यारा लग रहा है। वैसे एक ये वाली फ़ोटो है। अब मैं आपको बताता हूँ बिना प्रीसेट के आप किसी फोटो को एडिट कर सकते हैं इस टून में। तो पहले हम इसको नॉर्मल करेंगे, ऑल पे जाएंगे, नीचे इनपुट पे जाएंगे और ऑल पे जाके इसको नॉर्मल कर देंगे। फिर आपको पहले लाइट्स आपको एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। आपको मैं पहले ऑटो कर लेता हूँ, और थोड़ा सा हाईलाइट्स, वाइट्स और गाइस कॉन्टेक्ट शेडो इसको हल्का हल्का छेड़ लेता हूँ, जिससे फ़ोटो थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। ठीक है, इसका सैचुरेशन आपको बढ़ाना है बस लाइट्स में। यहाँ से फिर विब्रेस बढ़ा देना और सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देना है। फिर जाना है कलर मिक्स टूल पे, उसके बाद पहले ग्रीन कलर पे जाना है, उसके बाद गाइस आपको सैचुरेशन को माइनस प्लस 100 करना है और उसको माइनस 100 करना है आपको। और गाइस वैसे आपको येलो को भी सेम उसी तरह से करना है। फिर गाइस आपको ब्लू का हल्का हल्का छेड़ना है, और ब्लू का आपको सिर्फ इतने करना है कि डार्क कलर लाना है, जैसे कि इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ गाइस, आपको सेम उसी तरह से करना है। फोटो में आपको दिख रहा हूँ ऑरेंज टोन तो आ ही गया है, बस हल्का ऑरेंज टोन की कमी दिख रही है फोटो में। वैसे तो ये भी सही लग रहा है गाइस मेरे हिसाब से, तो ये भी परफेक्ट ही हो चुका है एडिट। बस हल्का हल्का आप फेस वेस फेस के कलर के लिए ऑरेंज कलर पे जाके, तो आपको जैसा कलर चाहिए आपके फेस में वैसा करके, और इसका लुमिनेशन आपको जितना लाइट चाहिए फेस उतना लाइट आप करके आपको हल्का हल्का छेड़ना है बस। तो ठीक है, परफेक्ट तो नहीं हुई अभी, तो हम थोड़ा सा इसको थोड़ा लुक चेंज करने के लिए इसको हम जाएंगे नीचे वाले टूल पे। सब में नीचे लास्ट वाला एक टूल आता है, पहले हम इसकी क्वालिटी ये सब बढ़ा लेंगे। क्वालिटी गाइस और टेक्सचर और गाइस विग्नेट, ये आपको मेन पॉइंट है, इसको आपको बढ़ाना है, इसको यूज़ करना है आपकी फ़ोटो में। ठीक है, हाईलाइट्स और ग्रीन को भी बढ़ा लेंगे। ठीक है, यहाँ से शार्पिंग को बढ़ा देंगे, यहाँ से कलर नोज को, स्मूथनेस को और शार्पिंग को, और मास्किंग को 100 कर देंगे। फिर गाइस एक टूल है गाइस, आपको दिखाता हूँ मैं लास्ट में, वो टूल ये वाला आपको दिख रहा हूँ, इस पर जाना है और इस पर आप ART पे जाना है। फिर आपको ये रेड वाला दिख रहा हूँ, इस पर क्लिक करना है, 0.3 वाला, इस पर आपको हल्का सा इस साइड लेके जाना है आपको 55 के पास। आप एकदम उधर भी नहीं कर सकते, इधर भी नहीं, इसको 55 करके आप देख सकते हैं एकदम डार्क हुई है फोटो, और फोटो में ऑरेंज टोन आ गया है। इस तरह से आपको कर लेना है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है फ़ोटो। बस फेस का कलर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि फेस का कलर बिगड़ जाएगा आप जैसे वो यूज़ करेंगे वो टूल, वैसे फेस का कलर बिगड़ जाएगा, वो आपको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर आप लुक भी देख सकते हैं फोटो का चेंज हो गया एकदम। इसी तरह से अभी आप एडिट कर सकते हो, प्रीसेट की मदद से भी एडिट कर सकते हैं इस तरह से। आपको जैसे सही लग रहा है, आपसे जैसी हो चुकी हो सकती है एडिट, आप वैसे एडिट कर सकते हैं अपनी फ़ोटो।
तो अब मैं आपको बिना टाइम वेस्ट करे प्रीसेट का पासवर्ड बताता हूँ। तो गाइस प्रीसेट पे आएंगे, तो गाइस प्रीसेट का पासवर्ड है 3525। सिंपल सा पासवर्ड है, जाके प्रीसेट को डाउनलोड कर लेना। उसके पहले आपको मैं एक बात और बता दूँ, फोटो को सेव करना, फोटो सेव करने के लिए हमेशा आपको सेव टू डिवाइस पे नीचे एक्सपोर्ट पे जाना है, यहाँ पे IPG सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्वालिटी 100% करके ही आपको सेव करना है। SD क्वालिटी में आपकी फोटो सेव होंगी, कोई लॉस नहीं होगा, कोई भी कुछ नहीं होगा गाइस। तो उसके पहले वीडियो को लाइक नहीं होगा तो गाइस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे कर देना। और गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।